माशाल्लाह माशाल्लाह सब बैठ गया है। कुछ काम नहीं सच बोल रहा। दो कट्ठा जगह था, बना दिया मस्जिद, अल्लाह का घर। मस्जिद ऐसा चीज है, अल्लाह का नाम लिया जाएगा, यहाँ पढ़ा जाएगा हदीस कुरान, सब कुछ अच्छा चीज बताया जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी ठीक हूँ। दागुग फेस का सही चल रहा है, मतलब सही हो रहा है। और तो आज रोजे की दूसरे जुमा पढ़ने के लिए जा रहे, और मेरा यहाँ ना न्यू मस्जिद बना है। तो न्यू मस्जिद में अभी वक्तिया का नमाज हो रही है और पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी आपको बताएंगे शाम में जो क्या है नहीं है। तो लेकिन अभी जा रहे बथान टोली जुमा पढ़ने के लिए। और तो आप चैनल में बने रहिए और आप सबका स्वागत हो गया। तो चलिए अभी जुमा पढ़ के आते हैं, उसके बाद आज इफ्तारी भी रोजे का यहाँ न्यू मस्जिद में होगा, तो आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए चलते। अभी नमाज पढ़ लिया जुमा का, और जुमा का नमाज आज खुतबा जो हुआ है, खुतबा कुरान शरीफ और रोजा के बारे में। और तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद के मतलब असर का टाइम पे। उसके बाद आज क्या है हम लोग का वहाँ इफ्तारी है ना न्यू मस्जिद में। तो चलिए, ये अब्दुल हलीम भाई है, कुछ बोलना चाह रहे हैं है। तो आपको पूरा दिखाएंगे, चलिए अभी बाद में मिलते। अभी असर का नमाज कंप्लीट होने के बाद थोड़ा बाहर आया मस्जिद से, उसके बाद बता रहे आपको क्या हुआ। तो अभी साफिर भाई दुकान खोल दिया नमाज उमाज पढ़ के, और सो गए थे जुमा का नमाज पढ़ने के बाद ना, सो गए थे। तू भी सो गया था साफिर? नहीं, गोश्त खाएगा, गोश्त रमजान में गोश्त खाएगा, बॉडी में एनर्जी नहीं है ना, इसीलिए मैं तो सो गई थी। मिलते हैं अभी, इफ्तारी का तैयारी करेगा। तो माशाल्लाह देख रहे हैं, ये मस्जिद है, और मेहराब जो है ना ये नहीं बना, लेकिन सफ तीन सफ होता है, एक दो तीसरा सफ और चार पंख, तीन पंखा आगे है और एक पंखा इधर एक बाकी है। और ये मतलब काम चल रहा है अभी पूरा फिलहाल, और जो इसका पूरा डिटेल बताएंगे आपको, जो जगह किसका था और क्या हो गया। तो ये वाला जगह है ना दो कट्ठा जगह है, तो पहले घर था ये घर, जब छत ढलाई ना 2018 में हुआ था, और अभी जो रेगुलर प्लास्टर व्लास्टर कुछ नहीं था, तो रूम बना हुआ था दो। और इस जगह ना अब्दुल मालिक का था, जो दो तीन महीना हो गया इंतकाल हो गया, तो अब्दुल मालिक यहीं पर ही मेरा दादा का पास रहता था और यहाँ काम वाम करता था, है ना फारूक दा? फारूक दा, तो यहाँ काम वाम करने के बाद उसको दो कट्ठा ये ज़मीन घर के लिए दिया था और ज़मीन जायदाद। तो वो नौ मुस्लिम से जानते होंगे अब्दुल मालिक को, दिलालपुर मदरसा में क्या था मौलवी साहब? नौ मुस्लिम मौजिन था, मौजिन, और वहीं रहता था। यहाँ आते थे हफ्ते हफ्ते में। 2018 में ना इसका घर बन गया था यहाँ, 2018 में कंप्लीट नहीं हुआ था, 2019 में। तो आप जो इसको देख रहे हैं ना, ये वाला कंप्लीट नहीं हुआ था, खाली पूरा ही हुआ था। तो अभी ना मरने के बाद, इंतकाल होने के बाद ना इसको मस्जिद बना दिया गया। मेरा हसीपुर मेरा अंकल का लड़का है, और इस जो मस्जिद बन रहा है ना, तो देखभाल जितना खर्चा उर्चा लेबर उबर जो भी जिम्मेदारी हो रहा है संभाल रहा है अब्दुल हसीपुर, हसीपुर भाई, ये मेरा भाई है। तो अभी पैसा ज़्यादा ही खर्चा हो गया, लगभग कितना हो गया? पौने तीन लाख रुपया देख रहे। तो अभी पैसा उसका कम है, तो अभी थोड़ा क्या मतलब ईद ईद के बाद इंशाल्लाह हाँ काम चालू होगा। तो ये एक बाथरूम बनेगा, और ये वाला पेशाब खाना है ना, और वजू खाना के लिए यहाँ बन जाएगा। तो माशाल्लाह हम लोग का यहाँ बन गया है एक मस्जिद, और उसके लिए हमेशा हमेशा उसको नेकी मिलते रहेगा, है ना।
अब्दुल मालिक साहब जो हम ही लोग का मतलब घर में रहा बड़ा हुआ यहाँ मतलब मदरसा से, तो अभी उसका जो भी था तो क्या करेगा, यहाँ जगह दो कट्ठा जगह था, बना दिया मस्जिद, अल्लाह का घर। मस्जिद ऐसा चीज है, अल्लाह का नाम लिया जाएगा, यहाँ पढ़ा जाएगा हदीस कुरान सब कुछ अच्छा चीज बताया जाएगा। मस्जिद का मतलब यही है ना, सभी लोग यहाँ तो हम लोग का चाचा भी है ना, तो काम जो चल रहा है ना, तो ये अभी बाहर फेंका हुआ था बालू और गिट्टी, तो उसको ना बच्चा छोटा लड़का लोग बदमाशी कर रहा है, इसके वजह से इसको अंदर कर दिया गया। और मतलब ईद के बाद एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना हसबुर, थोड़ा वो नाइट जलसा उलसा हो जाएगा उसमें। 5:10 बाकी है, 5:50 में इफ्तारी है, तो आज इफ्तारी यहीं पर ही होगा नया मस्जिद में। और यहाँ नमाज जब स्टार्ट हुआ ना, फर्स्ट रोजा से नमाज स्टार्ट हो गया है। तो फारूक दा, ये नमाज कब से स्टार्ट हुआ? पहला रोजा से ना, मगरिब को पहला ही आजान दिया है फारूक दा। तो मालिक चाचा जो था ना, बहुत उसका देखभाल बहुत ज़्यादा ही किया। फारूक दा है मेरा अंकल का लड़का, तो बहुत ज़्यादा ही देखा। और वो बीमारी पड़ गया था, इतना ज़्यादा ही बीमारी, 3-4 बार बहरमपुर कोलकाता और कहाँ लेके भागलपुर, तो लेके जाना आना फारूक दा ही करता था। और दो कटा दिया था ना मेरा दादा, तो कैसा लग रहा है अभी? बड़ा बड़ा लग रहा है ना, चारों तरफ घेर दिया ना, इसके वजह से माशाल्लाह बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है। और आयमान कैसा लग रहा है नमाज पढ़ के तुमको मस्जिद में? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आयमान बोल रहा बहुत अच्छा लगता है। तो वजू बना लिए? झूठ बोल रहा, रोजा है पक्का बोल रहा, रोजा है बेटा, हाँ रोजा, झूठ बोल रहा, रोजा नहीं है। तो इफ्तारी का सामान आ गया दोस्तों, और देख रहे ये आ गया है। चलो काटो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, 1 घंटा से कम है टाइम किया था। फाइनली खीरा उरा काटने स्टार्ट हो गया है, जल्दी जल्दी कर भाई, भाई बोल रहा भतीजा, जल्दी जल्दी करो करो करो, अभी तक कितना हुआ? 2-4 ही हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह सब बैठ गया है। सेल्फी चल रहा है। रणबीर रोजा से पहले ही इफ्तारी कर ली है, अभी 10 मिनट बाकी है, मत खाओ, इफ्तारी करना है ना तुमको। कुछ काम नहीं, सच बोल रहा हूँ, वीडियो माशाल्लाह हो गया पूरा, बांट लिया इधर उधर। और इधर अभी पब्लिक भरा नहीं, यहाँ है कुछ प्लेट जो बाहर है, इतना है पता नहीं। चलो देखते हैं कितना मिनट है अभी, 6 मिनट। तो फिर चचा आया, 1 मिनट बाकी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अजान हो रही है, खजूर से स्टार्ट हो रही है। बैठो बैठो, खाते हैं उसके बाद। दार बढ़िया, तो अभी खाओ, इफ्तारी हो गया, अभी नमाज पढ़ेंगे। दोस्तों इफ्तारी करके नमाज पढ़ के घर चल गए थे, घर जाके फिर साफिर भाई का दुकान में आके बैठ रहे, और यहाँ देख रहे IPL का जो ओपनिंग सेरेमनी है ना भाई साफिर। तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, जो भी दिखाया आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। चलो बाय बाय साफिर, चलो।